हेलो डियर लिसनर्स, टुडे आई हैव टेकन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर लिटरेचर बुक चैप्टर 4 माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ रिटन बाय M.K. गांधी। तो बेटा आधे क्वेश्चन हम आज करेंगे और बाकी जो रह जाएंगे क्वेश्चन आंसर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी अलॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। गांधी जी के बचपन में किन दो किताबों ने उन्हें इंस्पायर किया, मतलब कि प्रेरित किया, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। द टू बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी अलॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वर, फर्स्ट वन इज श्रवणा पितृभक्ति नाटका, सेकेंड इज हरिश्चंद्रा। ठीक है, ये दो किताबें थी जिनसे गांधी जी को प्रेरणा मिली। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। पिक आउट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट विच टेल्स दैट गांधी जी वॉज पंचुअल। कौन सा एक्सट्रैक्ट है जो ये बताता है कि गांधी जी पंचुअल थे, यानी कि समय के पाबंद थे। हमें बुक में से एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट करना है और वो लिखना है। चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको मालूम है कि कौन सा एक्सट्रैक्ट है। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट That tells Gandhiji was punctual is to be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed। ये लाइन थी जो चैप्टर में थी कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी गांधी जी स्कूल पहुँच जाते थे और जैसे ही स्कूल क्लोज होता था वो इमीडिएटली जल्दी अपने घर वापस चले जाते थे। मतलब कि उन्हें शौक नहीं था समय बर्बाद करने का, टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं था, वो इधर उधर कहीं भी नहीं घूमते थे। और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी डिसलाइक गेम्स एंड जिमनास्टिक्स। गांधी जी को गेम्स और जिमनास्टिक्स अच्छी क्यों नहीं लगती थी। गांधी जी डिसलाइक्ड, यहाँ बेटा डिसलाइक्ड आएगा बिकॉज डिड है क्वेश्चन में तो डिसलाइक का डिसलाइक्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी DISLIKED। गेम्स एंड जिमनास्टिक्स बिकॉज ही थॉट दैट गेम्स एंड जिमनास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन एंड ही वॉन्टेड टू सर्व एज अ नर्स टू हिज फादर। गांधी जी को इसलिए अच्छी नहीं लगती थी गेम्स और जिमनास्टिक क्योंकि वो सोचते थे कि इन दोनों का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और वो क्या चाहते थे कि वो घर जाएं और वहाँ जाकर अपने फादर की एक नर्स की तरह सेवा करें। ठीक है, तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन, बाकी के जो 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इन्हें वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले किए हैं, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लू पेन से आंसर्स लिखेंगे, एक क्वेश्चन को लिखने के बाद एक या दो लाइन्स छोड़ेंगे और कोई न्यू नोटबुक नहीं लगानी है आपने, सेम नोटबुक पे ही सारा काम करना है। और थर्सडे को आपका टेस्ट है, पेजेस मैंने मेंशन कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, वही पेजेस आपको लर्न करने हैं। तो अपना टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।